नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है सोम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूपी टीईटी की परीक्षा तिथि आपकी 25 जुलाई 2021 है और 25 जुलाई 2021 को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो छात्र गरीब हैं या जिन लोगों के पास जो है इस तरीके की कोचिंग की व्यवस्था नहीं है कि वो यूपी टेट की परीक्षा को अच्छे तरीके से हैंडल कर सके, उन लोगों के लिए एक व्यवस्था की गई है और इस योजना का नाम है सीएम अभ्युदय योजना। इसके अंतर्गत क्या है कि आपको तमाम तरीके की कोचिंग दी जा रही थी, उसी में जो है इसको शामिल किया गया है यूपी टीईटी 2021 की कोचिंग। और इस कोचिंग के अंतर्गत आपकी जो 75 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और उन ज़िलों में जो भी आपके डाइट हैं, यानी कि जो भी आपके कॉलेज ऐसे हैं, संस्था हैं डाइट, उनमें आपकी जो है बिल्कुल फ्री कोचिंग कराई जाएगी यूपी टीईटी की। अब यूपी टीईटी की जो कोचिंग है वो आपको यहाँ पर लेवल 1 के लिए भी आपको कराई जाएगी और लेवल 2 के लिए भी। अब इसके लिए आपको कैसे आवेदन करना है और क्या इसमें व्यवस्था रहेगी, उसके बारे में थोड़ी ही जानकारी और एकत्रित कर लेते हैं। जैसा कि बताया गया है कि डाइट, पहले तो मैं आपको डाइट से क्लियर कर दूं कि डाइट आखिरकार है क्या। तो यहाँ पर डाइट से संबंध उन कॉलेजों से होता है जो इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं कि सरकारी कॉलेज होते हैं, अर्थात सरकार से अनुदान पा करके उनमें जो है शिक्षण कार्य चलता है। सभी कॉलेज इस तरीके के होते नहीं हैं आमतौर पर, कुछ विशेष कॉलेज हैं जो डाइट के नाम से जाने जाते हैं। इनमें विशेष तौर पर बीटीसी या आपकी यूपी टीईटी का जो संबंधित कार्य है या अन्य कार्य है वो कराए जाते हैं। मेन रूप से आप ये समझ के चलिएगा, कुछ जो है ज़िलों में इसको जो है आमतौर पर जो स्टूडेंट या जो लोग जानते हैं वो जानते हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ, जो बीटीसी के जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं आप उनको ही जो है यहाँ पर समझ सकते हैं कि वो ही डाइट हैं। तो यदि आपके आसपास इस तरीके का कोई कॉलेज है बीटीसी या डीएलएड का जिसमें डिप्लोमा होता है और वो गवर्नमेंट कॉलेज है, तो आप जो है उसमें जाइएगा और यहाँ पर आपका जो आसपास का भी जो भी कॉलेज है उसमें आपको जो है इस तरीके की योजना से संबंधित कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। अब इसके लिए कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन आपका जो है अप्रैल माह में हो जाना चाहिए। इसके अंतर्गत आपको जो है यूपी अभ्युदय योजना .nic.in पर जो है जाना है और अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल जब आपका खुल कर के आएगा उसमें आपको भरना है और उसमें अपना जो बताना है कि हमें जो है यूपी टीईटी की कोचिंग करनी है। तो उसके अंतर्गत फिर आपको जो है अपने डाइट का नाम भरना है जो आपके आसपास कॉलेज है जहां आप आसानी से जा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि आप जो है, क्योंकि यहाँ जो हम डाइट का जिक्र कर रहे हैं उनमें स्पेशल आपके टीचर्स होते हैं, आमतौर पर जो आपको कोचिंग संस्थान प्राइवेट रूप से भी मिल जाएंगे, आखिरकार उनकी फीस भी अच्छी खासी होती है और अन्य प्लेटफॉर्म पर भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो सुविधा आपको डाइट में मिल जाएगी, ऑफलाइन क्लासेज में मिल जाएगी, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ विशेषज्ञ टीचर्स होते हैं और वो ही जो है यूपी टीईटी का जो आपका एग्ज़ाम्स है, पेपर्स है, वो सेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका अनुभव जो है आपके लिए एक बेहतर रिस्पॉन्स ला सकता है। जिन लोगों का यूपी टीईटी क्लियर नहीं है या जिनको अपने जो मार्क्स हैं वो अच्छे तरीके से अर्जित करने हैं तो वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि ऑफलाइन आपकी जो है क्लास चलाई जाएंगी, यानी आपको डाइट में डेली जाना होगा और पाठ्यक्रम आपका निर्धारित किया जाएगा, लगभग 50 दिन का एक कोर्स आपको कराया जाएगा। इसमें 120 स्टूडेंट्स की व्यवस्था एक डाइट में रखी जाएगी, यानी कि आप समझ सकते हैं जो भी आपका आसपास का डाइट है उसमें 120 स्टूडेंट्स आप शामिल रहोगे और उनको ही अच्छे तरीके से कोचिंग कराई जाएगी। इसमें जो है आपको एक निर्धारित टाइम दिया जाएगा, लगभग 3 घंटे की आपकी जो है क्लासेज चलेंगी डेली बेसिस पर,
और इन क्लासेज में आपको जो है व्यवस्था रखी जाएगी कि किस सब्जेक्ट का कौन सा टीचर्स आपको पढ़ाएगा और कितना टाइमिंग आपके लिए रखी जाएगी। तो इस योजना से संबंधित यदि आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो upabhyudayyojana.nic.in पर जाकर के आप जो है रजिस्ट्रेशन पोर्टल से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये जो कोचिंग है ये देखिएगा, इसके लिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि निःशुल्क कोचिंग है, निःशुल्क बिल्कुल किसी प्रकार का कोई शुल्क रखा नहीं जाता है और बेहतरीन टीचर्स आपको मिलेंगे। तो मेरी सलाह यही है, यदि आपके पास कोई डाइट कॉलेज है तो आप जो है इसमें आवेदन कर दीजिएगा और इस व्यवस्था को अपनाइएगा और बहुत बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।